क्या क्या चीज हम लोग देखने वाला है, सो आईओटी मतलब क्या है, उसको उसके इकोसिस्टम देखने के लिए कैसी दिखेगा, उसमें ओएसआई मॉडल मतलब क्या है, ओके अगर एक आईओटी है तो उसका स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर कैसे है, ओके कैसे दिखाएगा, अगर हम लोग हर एक लेयर के अंदर घुस के देखेंगे तो हर एक लेयर का फंक्शंस के बारे में, ठीक है, मतलब कनेक्टिव लेयर कैसे काम करेगा, उसका काम क्या है, एज कंप्यूटिंग का काम क्या है, डेटा अक्यूमुलेशन लेयर का काम क्या है, ओके डेटा अब्स्ट्रैक्शन लेयर का काम क्या है, ठीक है, एंड एप्लीकेशन लेयर है ना उसका काम क्या है, अगर कोलाबरेशन एंड प्रोसेस लेयर है ना उसका काम क्या है, तो इसके अलावा तीन इंपॉर्टेंट लेयर क्या है, एंड हमारा आईओटी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन सा है बोल के पार्ट वन में आज हम लोग देखेगा, ठीक है। सो आईओटी इकोसिस्टम में देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब आईओटी क्या करेगा, टेक्नोलॉजी को एनेबल करके हम लोग दिएगा थ्रू द वायबल मार्केट प्लेस, ठीक है। आईओटी एप्लीकेशन का स्पेशलिटी क्या है, हम लोग डिसेबल यूजर को एंड स्टैक होल्डर के हिसाब से उसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। टू बी सिंपल टू बी प्रोसेस अबाउट द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सो कोई भी डिवाइस, ओके कोई भी जगह से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, कोई भी कंटेंट को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, कोई पर्सन इसको ऑपरेट कर सकते हैं, किधर से भी हम लोग दुनिया में किधर से भी हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी रास्ता है ना नेटवर्क का अलग प्रोटोकॉल्स है, सो वो यूज करके हम लोग कर सकते हैं, एंड कोई भी बिजनेस को एंड कोई भी सर्विसेज के लिए हम लोग ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब क्या है, उसको डिस्क्राइब करने का, तो वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें सेंसर्स हो सकते हैं, ओके प्रोसेसिंग एबिलिटी इसके साथ है, ओके एंड हम लोग थर्ड पार्टी बहुत सारा सिस्टम का साथ इंटीग्रेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, एंड बहुत सारे टेक्नोलॉजी को इसके साथ यूज करेगा, ये सबको यूज करके ये सबका साथ कनेक्ट करके डेटा को एक्सचेंज करेगा, ओके डिवाइस एक्सचेंज है ना, डिवाइस का हिसाब से एक्सचेंज ऑफ डेटा हो जाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड लेटेस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ठीक है। सो अगर लेयर्स के बारे में हम लोग देखेंगे तो ओके फर्स्ट एक लेयर है वो सेंसर के लिए, ठीक है, उसका स्मार्ट डिवाइसेस बोल के बता सकते हैं, वो एनालॉग हो सकता है, डिजिटल हो सकता है, आरएफआईडी हो सकता है, इंफ्रारेड हो सकता है, ओके फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोकेमिकल बोल के कोई भी सेंसर के लिए हम यूज करें ना, वो सब सेंसर लेयर में आएगा। नेक्स्ट नेटवर्क लेयर, सो इसका कम्युनिकेशन लेयर भी बता सकते हैं, ठीक है, इसमें गेटवे एंड गेटवे नेटवर्क हो सकते हैं, सो गेटवे कैन बी अ सिम मॉड्यूल, माइक्रो कंट्रोलर, एम्बेडेड सिग्नल प्रोसेसर। गेटवे नेटवर्क के बारे में आप देखेंगे तो इट कैन बी वाईफाई, जीएसएम, इतने, ओके एंड सर्विस सपोर्ट एंड एप्लीकेशन के बारे में आप देखेंगे तो सो इसमें बिजनेस प्रोसेस एग्जीक्यूशन हम लोग कर सकते हैं, डेटा गवर्नेंस कर सकते हैं, ओके डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, वर्चुअल एंटिटी, ओके सिक्योरिटी सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, सो बहुत सारा चीज हम लोग कर सकते हैं। एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे तो ओके स्मार्टफोन्स में अभी हम लोग बहुत सारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करें ना, सो वो आईओटी बेस्ड ऑन आईओटी ओनली, स्मार्ट बिल्डिंग्स, स्मार्ट इंडस्ट्री, स्मार्ट हेल्थ केयर, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट लिविंग, सो ये सब एप्लीकेशन लेयर में आ जाएगा, ठीक है। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नेटवर्क के बारे में देखेगा तो ओके इसका काम क्या है, ये इकोसिस्टम किस चीज के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो सो ये क्या करेगा, एक नेटवर्क से बहुत सारा डिवाइस के साथ कनेक्ट करेगा, सो ये सब इंटरडिपेंडेंट डिवाइसेस हैं, ठीक है। सो एक हर एक स्पेशल स्पेशलिटी, ओके स्पेशलिस्ट के हिसाब से, उसका स्पेसिफिक गोल्स के हिसाब से हम लोग इसको बना सकते हैं, ये इंटरनेट ऑफ इकोसिस्टम का स्पेशलिटी है, ओके सो एक अगर ये इकोसिस्टम स्मार्ट सिटी के लिए हम लोग बना रहे हैं तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन का डेटा को कलेक्ट करेगा, उसको सेंड करेगा थ्रू द नेटवर्क, ओके एंड थ्रू द एंड फर्दर यूज फ्यूचर यूज में अगर हर एक बंद कोई एक्सेस कर रहा है इसको, उसको यूज करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। सो ओएस मॉडल, ओएसआई मॉडल दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के बारे में आप देखेगा तो हम लोग एक कंपेरिजन लगेगा तो सिर्फ हमारा टीसीपी आईपी में सिर्फ चार लेयर है, अगर हम लोग ओएसआई मॉडल में देखेगा तो हम लोग सात लेयर इसमें बना सकते हैं, फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन बोल के सात लेयर्स इसमें बना सकते हैं, ठीक है। हमारा आईओटी वर्ल्ड फोरम है ना, एक स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर हमको दे चुका हूँ आईओटी के लिए, वो आर्किटेक्चर यूज करके हम लोग समझ सकते हैं आईओटी के बारे में, मतलब फिजिकल लेयर मतलब सो हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोल के बात है ना, वो थिंग्स ये
लेयर वन में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड द सेकेंड इज द कनेक्टिविटी। सो इसका काम क्या है, ये कम्युनिकेशन एंड प्रोसेसिंग यूनिट है ना, ये कनेक्टिविटी लेयर में आएगा, ठीक है। एंड द थर्ड इज द एज कंप्यूटिंग। सो डेटा एलिमेंट एनालिसिस ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ डेटा कंप्यूटिंग में आएगा। एंड फोर्थ लेयर दैट इज डेटा अक्यूमुलेशन लेयर, उसमें पूरा स्टोरेज इन्फॉर्मेशन ओके वो हो जाएगा। एंड फिफ्थ इज द डेटा अब्स्ट्रैक्शन। सो क्या क्या चीज हम लोग स्टोर किया उसको हम लोग एक्सेस करने के लिए, एग्रीगेशन करने के लिए ये लेयर यूज हो जाएगा, ठीक है। एंड सिक्स्थ इज द एप्लीकेशन लेयर, इसमें रिपोर्टिंग एनालिसिस कंट्रोल सब कुछ इसमें आ जाएगा। सात लेयर इज द कोलाबरेशन द प्रोसेस लेयर, इसमें कोई भी आदमी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं ओके, बिजनेस प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सब कुछ कोलाबरेशन प्रोसेस लेयर में आ जाएगा, ठीक है। सो कनेक्टिविटी लेयर का काम क्या है, सो कनेक्टिविटी लेयर देखेगा तो ये लेयर वन डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। अगर हम लोग कोई स्विचेस यूज करवा रहे हैं, रूटर्स यूज करवा रहे हैं, उसका सब काम ये कनेक्टिविटी लेयर में आ जाएगा, ठीक है। एंड बहुत सारा प्रोटोकॉल्स का ट्रांसलेट करने के लिए ये कनेक्टिविटी लेयर हम लोग यूज करवा रहे हैं, ठीक है। एंड सिक्योरिटी पर्पस भी ये कनेक्टिविटी लेयर में हो जाएगा, ठीक है। और एज फॉग कंप्यूटिंग के बारे में देखेगा तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, डेटा एलिमेंट्स को एनालाइज करके ट्रांसमिट करेगा। मान लो इसका इंपॉर्टेंट क्या क्या है, सो कोई भी हम लोग इन्फॉर्मेशन और डेटा इसमें है ओके, उसको एवॉल्वेट करेगा, ठीक है, उसको रिफॉर्मेट करके ओके प्रोसेसिंग यूनिट्स में सेव करेगा। ये फॉग कंप्यूटिंग लेकर एकदम इंपॉर्टेंट काम, ठीक है। अगर इसके अलावा क्या क्या चीज हम लोग समझ सकते हैं, तो सो डाटा एनालाइज करके हमको इसको ट्रांसफॉर्म करने का ना, सो समझने वाला लैंग्वेज में उसको ट्रांसफर करने का, वो सब काम ये एज कंप्यूटिंग और फॉग कंप्यूटिंग लेयर में हो जाएगा, ठीक है। एंड डेटा अक्यूमुलेशन लेयर के बारे में देखेंगे तो ये क्या करेगा, डेटा को कैप्चर करेगा, स्टोर करेगा, कभी कभी नेसेसरी है वो एप्लीकेशन को उसी टाइम है ना उसको दिएगा, ये डेटा अक्यूमुलेशन लेयर का काम है, ठीक है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन लेयर में क्या है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग एप्लीकेशन अक्यूमुलेशन लेयर में स्टोर किया वो सबको हमको एक्सेस करने के लिए ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन लेयर, सो मतलब एनक्रिप्टेड को डिक्रिप्ट करके हम लोग ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन लेयर में देख सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन लेयर, सो ये एप्लीकेशन लेयर हमारा यूजर के हिसाब से अलग हो सकता है। ये एप्लीकेशन लेयर में ये मॉनिटरिंग कंट्रोल के रिपोर्ट ये सब की सब चीज एनालिसिस ये सब चीज ये एप्लीकेशन लेयर में हो जाएगा। कोलाबरेशन प्रोसेस लेयर मतलब क्या है, क्योंकि देख लिए बहुत सारा थिंग्स है इसमें, ठीक है, बहुत सारा अलग अलग प्रोटोकॉल्स है ओके। ये एप्लीकेशन लेयर के बाद ओके हमको कुछ दूसरा थर्ड पार्टी सिस्टम के साथ कोलाबरेट करके हमको काम करना पड़ेगा ना, सो वो काम के लिए हम लोग ये कोलाबरेशन प्रोसेस लेयर, ये यूजर फ्रेंडली है, इसमें ये बहुत सारा फॉर्म्स है, ठीक है। आर्किटेक्चर में तीन इंपॉर्टेंट लेयर है, दैट इज परसेप्शन लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, तीन इंपॉर्टेंट लेयर है। परसेप्शन लेयर में सेंसर्स वगैरह इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग ओके एनवायरमेंट से कलेक्ट करने वाला वो सब कुछ परसेप्शन लेयर में हो जाएगा। नेटवर्क लेयर में तो सो हम लोग हमारा ये सेंसर्स है ना हमारा सर्वर्स के साथ ओके थ्रू द नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए ये नेटवर्क लेयर यूज हो जाएगा। एप्लीकेशन, सो ये स्पेसिफिक सर्विस से फॉर एग्जांपल हमारा सर्विस क्या है, स्मार्ट सिटी के लिए हम लोग बना रहे हैं तो उसके लिए अलग हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर में मेथोडोलॉजी। अगर नहीं हम लोग स्मार्ट होम्स के लिए बना रहे हैं, नहीं तो स्मार्ट हॉस्पिटल्स के लिए बना रहे हैं, हेल्थ केयर के लिए बना रहे हैं, तो सो उसके हिसाब से ये एप्लीकेशन में हम लोग डिफरेंस क्रिएट करेंगे। ये तीन लेयर का एकदम इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। सो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में हम देखेंगे तो सो सेंसर्स एकदम इंपॉर्टेंट है, दैट इज द थिंग्स ओके। एंड प्रोसेसर्स एंड गेटवेज एकदम इंपॉर्टेंट है, एंड एप्लीकेशन इज अ फाइनल वन ओके। अब ये सब में देखेंगे तो ऑल दीज ब्लॉक्स ओके इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैज अ बाई डायरेक्शन कम्युनिकेशन। सो सेंसर्स प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करेगा, मतलब इनपुट्स दिएगा क्या एनवायरमेंट से कलेक्ट करके डेटा प्रोसेस को दिएगा, प्रोसेस कंट्रोल दिएगा, कमांड दिएगा, ठीक है। एंड सेम प्रोसेस से इन्फॉर्मेशन ओके एप्लीकेशन को पहुंचने के लिए हम लोग गेटवेज यूज करेगा, वो भी बाई डायरेक्शन ले, क्योंकि एप्लीकेशन से कुछ रिक्वेस्ट आ रहे तो वो प्रोसेसर को जाना पड़ेगा, एंड प्रोसेस से कोई आउटपुट आ रहे तो थ्रू द गेटवे एप्लीकेशन को भेजना पड़ेगा ना। सो दिस इज द सिंपलेस्ट ब्लॉक डायग्राम ऑफ द आईओटी, ठीक है। सो सेंसर्स तो कोई भी सेंसर यूज सकते हैं, इट कैन बी टेम्परेचर सेंसर, इट कैन बी प्रेशर सेंसर, इट कैन बी मोशन सेंसर ओके, इट कैन बी पार्टिकल सेंसर ओके। एंड आउटपुट्स अगर देखिए तो एक्चुएटर, इट इज नथिंग बट दैट इज स्विचेस। मान लो हम लोग एक कमांड दे रहे हैं, एक कोई रिले को काम करने के लिए बता रहा है, कोई रोटर को रोटेट होने के लिए बता रहे हैं, तो ये सब काम ये यूज करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो कभी भी हम लोग एक आईओटी इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं ओके, सो इसका नेटवर्क एकदम इंपॉर्टेंट है, गेटवेज एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
ये ट्रांसलेशन बोल के एक काम इसमें है, क्योंकि बहुत अलग प्रोटोकॉल हो सकता है तो सबको समझने वाला लैंग्वेज से कन्वर्ट करके बाद में दोबारा रिट्रीव करने के टाइम उसको भी ट्रांसलेट करने के लिए एक काम करना पड़ेगा, वो सब काम ई आईओटी गेटवे करेगा। ठीक है, धन्यवाद, सॉफ्टवेयर करवा दो, बेल आइकन को दबा दो, सो आपको प्रोजेक्ट करने का हमारे साथ सीखने का, सो आपको इसके बारे में ट्रेनिंग चाहिए तो भी आप हमको कॉन्टेक्ट, जैसा हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ, एंड अगर आप हमको ये सब के बारे में डिटेल में सब 6 पार्ट के बारे में आप डिटेलली समझने का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसके अंदर हम लोग प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, उसके अंदर घुस के ये सब चीज़ समझ सकते हैं। धन्यवाद।